वेलकम टू लद्दाख सीरीज एंड टू माई चैनल ट्रैवल विद एंडी। लास्ट वीडियो में हमने आपको अलसी मोनेस्ट्री और इंडस व्यू के बारे में दिखाया। अलसी मोनेस्ट्री देखने के बाद हम वापस लेह के लिए निकल गए, जहां हम जाने वाले थे स्पुतिक गोम्पा और हॉल ऑफ फेम। करीबन डेढ़ घंटा लेह की वादियों में ट्रैवल करने के बाद हम स्पुतिक गोम्पा पहुँच गए। स्पुतिक गोम्पा, जिसको स्पुतिक मोनेस्ट्री या पेथुप गोम्पा भी बोला जाता है, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो लेह में 3,307 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गोम्पा को 11वीं शताब्दी में खोजा गया था। ये गोम्पा 100 से भी अधिक ज़्यादा मॉन्ग के घर हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी काली की मूर्ति है। स्पुतिक गोम्पा देखने के बाद हम निकल गए हॉल ऑफ फेम देखने के लिए। हॉल ऑफ फेम एक म्यूजियम है जो इंडियन आर्मी ने इंडो पाक युद्ध में अपने मातृभूमि के लिए शहीद हुए जवानों के लिए बनवाया है। म्यूजियम में घुसने के बाद आपको यह एरिया मिलेगा जिसका नाम है ओपी सद्भावना, जिसमें इंडियन आर्मी द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में जो योगदान किए गए हैं वो दिखाया गया है। उसके बाद की एरिया में आपको लद्दाख स्काउट के बारे में बताया गया है। उनके द्वारा किए गए ऑपरेशंस, जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, उनको भी दर्शाया गया है। थोड़ा और आगे जाने पर आपको ऑपरेशन विजय के बारे में डिटेल से बताया गया है, जहां आपको वाल में ढेर सारे कारगिल वार के पिक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताया गया है। यहां आपको लद्दाख एरिया की 3D मैप भी मिल जाएगी, जो रियल टाइम में आर्मी अपने ऑपरेशन प्लान करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ आपको अलग अलग ढेर सारी गैलरियाँ मिलेंगे, जिसमें इंडियन आर्मी के लाइफ को दिखाया गया है। वो किस सिचुएशन में रहते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसे इक्विपमेंट यूज करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे व्हीकल्स यूज करते हैं, सब कुछ दिखाया गया है। हम बहुत लकी थे, क्योंकि जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे उस समय एक आर्मी ऑफिसर कारगिल युद्ध को ज्योग्राफिकली हमें समझा रहे थे। मॉडल की मदद से कारगिल युद्ध के दौरान लड़े गए सभी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ करूंगा। एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि किसी भी देश की सेना ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले उस इलाके के बारे में जानकारी देना या ऑपरेशन के बाद डिवर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉडल पर एक मुख्य मार्ग। उसके बाद हम वापस गैलरी देखने लग गए। गैलरीज में इंडियन आर्मी के लाइफ के अलावा यहाँ पे आपको उन्होंने क्या क्या ऑपरेशंस किए हैं उनके बारे में भी बताया गया है। साथ में वहाँ उस ऑपरेशंस में कौन कौन सी बटालियन थी, ये सब कुछ डिटेल से बताया गया है। यहाँ पे आर्मी रिलेटेड ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स, गिफ्ट, अवार्ड भी शोकेस किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे वॉल्स में ऑपरेशन विजय के लाइव पिक्चर्स मिल जाएंगे, जो देख के आपको गूज बम्स आ जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान से कैप्चर वेपन्स, इक्विपमेंट्स भी रखे गए हैं जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। और थोड़ा आगे जाने पर आपको अवार्ड सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है। साथ में दुश्मनों से कैप्चर वेपन्स भी शोकेस किए गए हैं। और थोड़ा आगे जाने पर आपको सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे लद्दाख के बारे में बताया गया है। लद्दाख के इतिहास को दिखाया गया है, साथ ही साथ वहाँ कल्चर, फैक्ट्स, आर्ट्स को भी फोकस किया गया है। यहीं आपको एक शॉप मिलेगी जहाँ आप सोविनियर भी खरीद सकते हैं।
म्यूजियम देखने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं जहां आपको हॉल ऑफ फेम मोनूमेंट मिलेगा। सीरियसली यहां पे आपको गूज बम आ जाएंगे। सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी। इवनिंग में यहां 7:30 बजे से साउंड एंड लाइट शो होता है जिसमें इंडियन आर्मी के द्वारा बलिदान और कामयाबी को दिखाया जाता है। म्यूजियम की टाइमिंग है 9:00 से 12:30 तक। उसका दोपहर में 2:30 बजे से 6 बजे तक म्यूजियम खुली रहती है। 7:30 बजे से यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है। टिकट प्राइस है 250 रुपीज़ जिसमें म्यूजियम और साउंड एंड लाइट शो इंक्लूडेड है। टिकट 7 दिन के लिए वैलिड होती है, तो आप कभी टिकट लेने के बाद आप 7 दिन के अंदर कभी भी आ सकते हैं। और अगर आप ले आ रहे हो तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। जय हिंद के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने लद्दाख की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवल विद एंडी।